यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से। आगरा में हो रही रेसलिंग चैंपियनशिप, 62 किलोग्राम वर्ग में हरियाणा की सोनम से हारी ओलंपियन साक्षी मलिक। आगरा के लड़ामदा के मनोरमा इंस्टीट्यूट में हो रहे 2 दिवसीय महिला सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 में शनिवार को ओलंपियन साक्षी मलिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सोनम के बीच दंगल हुआ, जिसमें 62 किलोग्राम वर्ग में सोनम ने साक्षी मलिक को 7-5 से हरा दिया। बता दें कि ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक को सोनम ने तीसरी बार मैट पर मात दी है। इस जीत के बाद सोनम ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मैंने इससे पहले भी साक्षी को 2 बार हराया है। पहली बार मैं सीनियर लेवल पर साक्षी मलिक के सामने मैट पर उतरी थी, इसलिए मेरा लक्ष्य था कि मैं इस मैच में अच्छा प्रदर्शन करूं और उनको कड़ी टक्कर दे पाऊं। सोनम ने कहा कि वह इस जीत का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच अजमेर मलिक को देना चाहती हैं। बता दें कि सोनम हरियाणा की रहने वाली हैं। इससे पहले ओलंपिक के लिए साक्षी और सोनम की एक फाइट होने वाली थी, जो कोरोना काल और लॉकडाउन के चलते टल गई थी। बता दें कि आगरा में हो रही सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2020 में प्रतिभाग कर रहा है। इस चैंपियनशिप में महिला पहलवान टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करने के मजबूत इरादों से उतर रही हैं। महिला पहलवानों ने बताया है कि यह प्रतियोगिता इसलिए खास है क्योंकि यहां उन्हें ओलंपिक में खेलने के लिए पहला पड़ाव पार करना होगा। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए देखते रहिए यूपी सिटी न्यूज। जहाँ साक्षी ओलंपियन है, वही सोनम वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभाग कर चुकी है। एक बार तालियों की बहुत कमी है। और देखिए यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।